नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनकेडमी के इस ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म अभियान पर दोस्तों लूसेंट सीरीज़ को हम लोग कवर करा रहे थे इसमें हमने सबसे पहले लूसेंट की विज्ञान में कवर कराया है बायोलॉजी को जीव विज्ञान की ये सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जिसको बहुत जल्द हम फिनिश करने वाले कवर करने वाले हैं चले तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए आगे बढ़ते हैं आप सभी विद्यार्थी जो अनकेडमी से बहुत अच्छे से परिचित हैं और उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने अभी तक केवल यूट्यूब के माध्यम से अन अकेडमी को समझा है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों अनएकेडमी न केवल यूट्यूब के माध्यम से बल्कि एक एप्लीकेशन के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड कराता आ रहा है उस एप्लीकेशन का नाम है अनएकेडमी लर्निंग ऐप दोस्तों अनएकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन जैसे कि आपके अदर एप्लीकेशंस होते हैं वैसे ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए जो डाउनलोड करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिए मतलब जिस एग्जाम की आप प्रपरेशन कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं जैसे ही दोस्तों आपका गोल सेलेक्ट हो जाता है आपको दो प्रकार की क्लासेस उस गोल से रिलेटेड मिलेंगी जैसे कि आप देखेंगे एक फ्री क्लास होगी और दूसरी होगी प्लस क्लास फ्री क्लासेस भी बहुत यूज़फुल होती हैं और आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग बहुत सारा कंटेंट इसमें प्रोवाइड किया जाता है अगर आप इसको लेते हैं तो रेफरल कोड यूज कीजिएगा ए बी लाइव तब ये ओपन हो जाएगी संपूर्ण फ्री क्लासेस दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों प्लस प्लस को हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये होता है पेड क्लासेस अनकेडमी की बहुत सस्ती पेड क्लासेस जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए हुए कोर्स को आप पढ़ सकते हैं घर बैठे स्टडी कर सकते हैं ये कोर्सेज को अगर आप लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें यहां पर आपको लाइव सेशंस मिलेंगे रिकॉर्डेड भी मिलेंगे आप एजुकेटर से लाइव डायरेक्ट जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप बात कर सकते हैं चैट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को प्रिंट आउट या सॉरी फोटो लेकर फोटो क्लिक करके भी सेंड कर सकते हैं अटैच कर सकते हैं एजुकेटर उनके लिए जो भी रिस्पॉन्स होगा तुरंत इमिडिएट तुरंत आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको आपका डाउट क्लियर करा देंगे पी आपको ढूंढना नहीं होगा सारी पी हर लेक्चर के साथ अवेलेबल होंगी ऐसे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल कराता है अन का ये प्लेटफॉर्म चले आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या आखिर इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के चार्जेस हैं तो दोस्तों एक साल का चार्ज है एक एक साल का जो चार्ज है वो है ग्यारह हजार रुपये और दो साल का जो चार्ज है वो है सोलह हजार रुपये अगर आप इस पर रेफरल कोड यूज़ करते हैं ए बी लाइव यहाँ एक बॉक्स होगा और वहाँ पर एक रेफरल कोड आपको यूज़ करना है जो है ए बी लाइव जैसे दोस्तों आप ए बी लाइव टाइप करेंगे सोलह हजार का जो अमाउंट है अब कम होकर केवल प्राप्त हो जाएगा अभी इस पर ऑफर्स है जैसे कि आप देखें अगर आप एक साल का कोर्स लेते हैं तो दो मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन और अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तीन मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको अभी ऑफ़र के तौर पर मिल सकता है तो अगर आपकी प्लानिंग है तो रेफरल कोड ए बी लाइव का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके टॉपिक से आपको जोड़ते हैं उसके बढ़ने से पहले मैं आपको अन के कुछ फ्री क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा जो अन के प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं अन का स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट टेस्ट दीजिए और आपके जो कोर्सेस है उसमें डिस्काउंट प्राप्त कीजिए अच्छे रैंक के साथ ऐसे ही अन अकेडमी का एम पी पी एस सी मींस का मोक टेस्ट सीरीज अनअकेडमी डेली टी ट्वेंटी फ्री टेस्ट सीरीज एम पी पी एस सी प्रिलिम्स ये एक पेड कोर्स है ऐसे बहुत सारे बैच कोर्स दोस्तों सेप्टेम्बर के मंथ में चालू हुए हैं और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अक्टूबर के मंथ में चालू होते जा रहे हैं सारे बैच कोर्सेज में अगर आप एक्सेस लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपको रेफरल कोड यूज करना है ए बी लाइव और सब्सक्रिप्शन लेकर ज्वाइन कर लेना है अनअकेडमी को आपकी स्टडी जो है बेहतर आप वहाँ पर पाएंगे और हमारे सारे एजुकेटर वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे डाउट को क्लियर कराएंगे अन अकेडमी पर हमारे चैनल की लिंक या कहना चाहिए वीडियोस की लिंक साथ ही साथ हमारी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए अन अकेडमी का ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ये आपको सारी लिंक के थ्रू कनेक्टिविटी प्रदान करेगा सारी लिंक आपको मिल जाएंगी पी डाउनलोड करने के लिए आई होप कि यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर होंगी अब हम आपको आपके टॉपिक से जोड़ते हैं दोस्तों आपको याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन जिसको हम वर्गीय या टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं जीवों को एक क्रम में जमाने की प्रक्रिया हमने देखा था कि ये जो टेक्सोनॉमी की प्रक्रिया कोरोला सीनिया साहब ने स्टार्ट की थी और उसके बाद वेटेकर साहब ने पाँच जगत का वर्गीकरण दिया था इन्होंने कहा था कि संसार के जितने जीव हैं उनको पाँच जगत में रखा जाए और उन पाँच जगत में मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमिलिया ये पाँच जगत आई होप कि आप लोगों को याद होंगे यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया होगा ठीक है फिर इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो मोनेरा ग्रुप है ये कौन सा था प्रो कैरियोटिक था और जबकि प्रोटेस्टा के बाद ये सारे के सारे यू कैरियोटिक थे ठीक है और इसमें भी देखा था कि ये शुरुआत में जो प्रोटेस्टा था ये एक कोशिकीय था मतलब ये यूनिसेलुलर था एक कोशिकीय था बाकी ये तीन जो थे बहु कोशिकीय थे ठीक है हमने इनका न्यूट्रिशन देखा था कि अगर इनके पोषण की बात करें तो ये जो फंजाई वाला ग्रुप था इसका पोषण कैसा था ये डिकम्पोजर्स थे मृतोपजीवी डेड बॉडीज से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते थे यही बात अगर हम प्लांटी और एनीमेलिया के बारे में करें दोस्तों तो प्लांटी जो है प्लांट जो आपका प्लांट किंगडम ये फोटो से कवर करता था यही बात एनीमिलिया की बात करें तो ये क्या होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं दूसरे जीवों से ही न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं तो ये कुछ लेबल थे इन चीजों पर हमने कल के लेसन में यहां तक आपको कवर कराया था कि साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उस क्लासिफिकेशन में मोनेरा प्रोटिस्टा कबक जिसको हम फंजाई बोलते हैं फिर पादा पोनी मिलिया ये उनका सीक्वेंस रहा ये उनका पैटर्न रहा इसको हमने एक एक करके कवर किया था फिर दोस्तों हमने मोनेरा पढ़ लिया था आपको याद होगा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती एक ही कोशिका के बने जीव होते हैं एग्जाम्पल नीलहरित सहवाल साइनोबैक्टीरिया फिर हमने प्रोटिस्टा पढ़े थे जो एक कोशिकीय तो होते हैं लेकिन अब ये यू होते हैं यू मतलब इनकी कोशिका थोड़ी सी क्या होगी दोस्तों इनकी कोशिका थोड़ी सी एडवांस होगी मॉडर्न होगी इनका केंद्रक डेवलप्ड होगा स्वयं पोसी और विषम पोसी दोनों टाइप का इनका पोषण है अमीबा पैरामीशियम इसके बाद हमने फंजाई को देखा था विषम होते हैं पूरे के पूरे फंजाई विषम पोसी मतलब इनकी की बनी कोसी का भित्ती होती है फंजाई के यकबक के उपयोग में देखा था कि मशरूम भोजन के रूप में दवाओं के रूप में पैनासीलियम नोटिसम शराब उद्योग और ब्रेकरी उद्योग इसी पर आधारित है या इसी पर वेस्ड है यहाँ तक हमने कल के लेसन में कवर करा दिया था फिर इसके बाद दोस्तों आपको याद होगा हमने प्लांट जगत को स्टार्ट किया था प्लांट जगत हमने स्टार्ट किया था इसके बाद, और वो एकदम क्लियर होगा आपको कि पादप जगत जो है, पादप जगत, इसमें सारे जीवों के अंदर कोशिका का थी और कोशिका का भित्ती भी आपको याद होगी किसकी बनी थी दोस्तों सेल्यूलोस की बनी कोसी का भित्ती थी काइटिन की नहीं थी ये सारे जीव स्वयंपोसी होते हैं स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक मतलब वे जीव खुद का भोजन खुद बनाते थे ये सारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं सभी पौधों में सभी जीवों में क्लोरोफिल होता है इसको पांच ग्रुप में बांटा था हमने जिसको ब्रायोफाइटा, टेरेडो, जिम्नो और एंजियोस्पम्प नाम दिए थे इसको हमने बोला था क्या संघ इसको बोलते हैं संघ इसके देखिए आपको मैं बता दूं पांच जगत जो है ठीक है ना जिसमें मोनेरा था ठीक है ना फिर प्रोटिस्टा था फिर प्रोटिस्टा के बाद कौन सा था फंजाई फिर प्लांटी और लास्ट का था एनिमेलिया तो दोस्तों ये प्लांटी जो है उसको देखा कि अब ये जो है पांच अन्य संघों में डिवाइड हो गया ये जो जगत के जितने संपूर्ण पौधे थे ये वास्तव में पांच प्रकार के पौधे सबसे पहले कौन से पौधे बने होंगे विकास की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से दर्शाता है ये क्लासिफिकेशन विटेकर साहब का कि बाकी विकास कैसे हुआ सब शुरुआत में पौधे कैसे बने थैलोफाइटा थैलस के रूप में पौधा होता था बड जो उसकी जड़ तना पत्ती जैसी चीजें सीधे रूप पर नहीं दिखती थी फिर आई कौन से ब्रायोफाइटा इसमें जड़ और पत्तियां तो दिखती थी सॉरी पत्तियां और तना तो दिखता था लेकिन जड़ें यहां पर भी नहीं थी और इसके बाद आ गया फिर टेरिडोफाइटा पूरा कंप्लीट रूप से जीव बन गया था पौधा बन गया था जिसमें पत्तियां भी थी साथ ही साथ इसमें तना था और इसमें पूरा कंप्लीट रूप से जड़ें भी थी यहाँ जड़ें नहीं थी यहाँ जड़ें भी आ गई थी और यहाँ तो वास्तव में कुछ भी नहीं था प्रॉपर तरीके से लेकिन फिर अगर बात करें जिम्नोसपम की यहाँ तक पौधा पूरा बन गया था लेकिन अभी फूल इन तीनों में भी नहीं बन पाया था फूल और बीज नहीं बने थे ऐसे पौधे क्या नहीं करते थे फूल और बीज नहीं बनाते थे सीधे बस चले अब क्या देखा हमने देखिए यहां तक मैं आपसे रोज रोज कहता हूं कि नाम याद करते आइए अगर आप इनके नामों के साथ जैसे ये नाम है नाम अभी अलग नए लगे होंगे जो लोग बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं उनके लिए नाम में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो सकता ये नाम थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा को याद करना थोड़ा सा कठिन लगता हो लेकिन दो तीन बार आप पढ़ोगे मैं इसलिए इसको बहुत स्लो चला रहा हूं बहुत स्लो ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ें अगर आप लगातार कंटिन्यू लेसन को देख रहे हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपको बहुत जल्दी नाम भी याद हो जाएंगे और इनकी फंक्शनिंग याद होगी क्योंकि मुझे आपको कनेक्टिविटी जोड़नी है आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाने का मतलब नहीं है नहीं तो इसका मतलब आ, केवल क्वेश्चन बस के हिसाब से दिखाता क्वेश्चन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो तो अलग हैं लेकिन आपको संपूर्ण चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें देखी गई क्लासिफिकेशन क्यों था तो क्या देखा हमने यहाँ पर दोस्तों कि पांच जो उसके संग हैं वो है थैलो ब्रायो टेरिडो और लास्ट में जो पौधे जिन में जिनमें बे पौधे जिनमें बीज आना चालू हो गए वो थे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में क्या आते थे फूल लेकिन दोस्तों ये जो जिम्नोस्पर्म थे इनका जो बीज था वो कवर नहीं होता था कैसा नहीं होता था उनके बीज खुले रहते थे बंद नहीं होते थे बीज चोल नहीं होता था इनके ऊपर जबकि इनमें बीज का एक कवर होगा छोल होगा ये और एडवांस होंगे और इसमें भी हमने देखा था फिर ये हमारे जो एडवांस पौधे हैं जिनको हम डाइकॉट और मोनोकॉट बोलते हैं ठीक है मोनोकॉट में कौन कौन से आते हैं ये आपका क्वेश्चन है अब मोनोकॉट एक ही बीज पत्री अगर हम एनजी की बात करें तो ये दो भागों में बढ़ जाता था जिसको हम बोल देते एक बीज पत्री एक बीज पत्री और दुई बीज पत्री कुछ आपको याद हो तो आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं एक बीज पत्री में कौन कौन से पौधे आप मानते हो जिनको आप एक बीज पत्री कहते हो और कौन कौन से दो बीज पत्री के होंगे नितेश भाई बहुत जल्द आपके सारी चीजें आ जाएंगी ऑनियन बिल्कुल सही फिजिक्स भी आएगा केमिस्ट्री भी आएगी सब कुछ आएगा पहले एक बार बायो कंप्लीट कर लें फिर इसको देखते हैं ठीक है यहां तक दोस्तों हमने पढ़ लिया था फिर हमने जंतु जगत को स्टार्ट किया था कि जंतु जगत क्या होता है इस पर अभी हम बाद में चर्चा करेंगे थोड़ा सा मैं आपको आ, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी यहाँ तक पढ़ लिया था अगर आपने पिछले लेसन अटेंड नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यहाँ तक कवर कर लीजिए डाईकॉट मोनोकॉट में हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने बताया था कि जो एक बीज पत्री मोनोकॉट मतलब एक बीज पत्री एक बीज पत्री मोनोकॉट जैसे कि प्याज हो गया कॉर्न मक्का मतलब चावल हो गए सुगर केन हो गया व्हीट हो गया गेहूं ये सारे प्याज मक्का चावल जिसको धान बोलते हैं सुगर केन गन्ना ये सारे के सारे कौन से हैं दोस्तों जैसे कि आप कह सकते हैं बांस ये सारे एक ही बीच पत्री पौधे थे और फिर आए कौन से डाईकॉटल डाईकॉट में टमेटोस हो गया कैबेज हो गया एप्पल हो गया पीचेस हो गया चना हो गया ग्राम हो गया ठीक है ग्राम जिसको बोलते हैं या चना बोलते हैं या आप मटर कह सकते हो ये सारे के सारे डाईकॉटल में आते थे क्लियर चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों हमें आज के इस लेसन में महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ना उसके पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम लाइकेन लाइकेन पर पढ़ लेते हैं में दो चीजों से फंगस भी है और इसमें एल्गी भी है और दोनों के लाइकेन बनता और है लाइकेन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार एग्जाम में ये सहजीवन है दोनों एल्गी और फंगस से मिलकर ये बनता है सहजीवन जिसको हम बोल देते हैं क्या सहजीवन मतलब आप कह सकते हैं कि हम आपके लिए आप हमारे लिए थोड़ी मदद हम आपके लिए कर देते हैं आप हमारे लिए भी कर देते हैं उसको हम सहजीवन वो सहजीविता वो घटना क्या कहलाती है सहजीविता कहलाती है तो ये लाइकेन एक उसका उदाहरण है आप सभी लोग जानते हैं लाइकेन के बारे में कि लाइकेन चट्टानों और वृक्षों की छालों पर उगते हैं ठीक है वैरायटी अलग अलग होती है लेकिन वो लाइकेन का एक टाइप है वो चट्टानों पर भी उगते हैं और वृक्षों की छाल पर उगते हैं लेकिन ये केवल उन जगहों पर उगेंगे जहाँ पर जहां पर क्या है दोस्तों जहां पर वातावरण शुद्ध है स्पेशली ये सल्फर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वायु में अगर प्रदूषण हो मतलब वायु में अगर सल्फर की मात्रा बढ़ जाए वाहनों के चलने से सल्फर का उत्सर्जन होता है तो सल्फर अगर जहां पर बढ़ता है वहां पर इनकी मात्रा नहीं होती है ये वहां पर खत्म हो जाते हैं ये उन जगहों पर दिखाई देते हैं जहां पर सल्फर नहीं है ठीक है इसलिए इनको नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है प्रदूषण का प्रदूषण का नेचुरल इंडिकेटर इन्हीं को ही कहा जाता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं जरा लाइकेन सेवाल और कबकों का सहजीवन है लाइकेन जो है एक सिंबायोसिस दर्शाता है एलगी और फंजाई के बीच में जिसको सेवाल का अंश को बोला जाता है फाइकोबियंट और कबक का जो इसमें अंश होता है उसको बोला जाता है माइकोबियंट ठीक है ना ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सैबाल जो है लाइकिन जो है वो सैवाल और कबक से मिलकर बना होता है ये कबक और का कॉम्बिनेशन कहलाता है बहुत बार प्री एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लाइकेन है पता चला लिखा है क्या सैबाल ए ऑप्शन बी ऑप्शन कबक सी ऑप्शन सैबाल और कबक और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं तब आपका आंसर आना चाहिए सैवाल और कबक वृक्षों की छाल तथा चट्टानों पर पाए जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात लाइकेन की दोस्तों अगर कहें तो ऐसा भी माना जाता है कि जब संसार बन रहा होगा तो इस संसार को बनाने में लाइकेन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा क्योंकि बड़े पौधे तो तुरंत आए नहीं होंगे तो जब पृथ्वी ठंडी हुई होगी गैसेस बनी पौधे बने तो शुरुआत के पौधे जब वो समुद्री पौधों ने ऑक्सीजन बना दी होगी तो उसके बाद जब बड़े ये लाइकेन जैसे पौधे आए होंगे जिन्होंने मिट्टी का निर्माण किया होगा चट्टानों से चट्टानों को तोड़ने का काम इन्हीं इन्होंने किया था इनके पास बहुत पावर होती है ये चट्टानों को तोड़ देते हैं चले आगे पढ़ते हैं कैसे कैसे इनके उपयोग हैं हैं वृक्षों की छाल तथा चट्टानों पर पाए जाते हैं। ये स्वपोषी और परपोषी दोनों तरीके के होते हैं ठीक है ना सेवाल कवक के लिए भोजन और कवक सेवाल के लिए आश्रय दे देता है हो गया ना सिम्बियोसिस आप हमारे लिए क्या दे दो सेवाल जो है ये क्वेश्चन भी बना जाता है सेवाल क्या करता है

और इनके अंदर से क्या होता है एक स्पेशल प्रकार का एसिड निकलता है कुछ एंजाइम्स निकलते हैं कहना चाहिए और वो एंजाइम इस चट्टान को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चालू कर देते हैं फिर इस छोटा सा जो क्रैक आ गया उस पर फिर पानी जाता है और धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके फिर ये चट्टान टूट जाती है ये काम करते हैं कौन ये एंजाइम्स लाइक इनके खाल को पकाने में इंडस्ट्रीज़ में हो जाता है लेदर इंडस्ट्रीज़ में सुगंधित साबुन बनाने में इनमें अच्छा सा एक स्मेल आती है बहुत अच्छी तो सुगंधित साबुन बनाने में भी लाइक इनका इस्तेमाल किया जाता है तो लाइक इनके बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अभी इसमें एक पॉइंट और बचा दोस्तों कबक कबक पर भी अभी हम चर्चा करेंगे एक दिन अभी थोड़ा कम कम लेकर आ रहा हूं मैं कंटेंट क्योंकि मेरी आपको पता होगा शायद प्लस पर मैं अन के प्लस पर एक अभी क्लास चल रही है यूनिट एट की तो ये थोड़ी सी स्पेशल यूनिट है एनर्जी वाली इसके कारण थोड़ा सा कम समय अभी इस पर आप दे पा रहा हूँ तो छोटे लेक्चर्स हो रहे हैं आपके बहुत जल्द जैसे ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है हमारे लेसन फिर से वापस से लंबे लंबे और जल्दी से कंप्लीट कराने की कोशिश रहेगी बस आप भी इतमान से नाम याद करते चलिए पढ़ते चलिए क्वेश्चंस के एमसीक्यूज की सीरीज़ कल से चालू हो रही है सुबह दो बजे टू पी दोपहर में दो बजे रहती है सुबह नहीं कहना चाहिए दोपहर में दो बजे रोज अब रहेगी एक स्पेशल टाइप की एमसीक्यू सीरीज़ जो अलग अलग टॉपिक्स पर रहेगी मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अटेंड कीजिए उस सीरीज़ को और बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए लर्न भी कीजिए क्वेश्चन भी लगाइए ठीक है चलिए लेक्चर फोर नहीं है डियर फाइव में लेक्चर फोर का, का कंटेंट है घबराए नहीं <laughs> चले यहां तक का क्लियर हुआ अब हम लोग को जो अगला पॉइंट पढ़ना था वो आपको याद होगा हमें पढ़ना था क्या सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन में बहुत बेसिक चीजें पढ़नी है उसका नाम मैंने कल भी इनके बारे में बताया था इसका भी एक स्क्रीन आपको लेना होगा ये एक पैटर्न है पहले इसका, इसका स्क्रीन ले लो फिर आगे मैं समझाता हूं <laughs> मान लीजिए आपने ये पढ़ लिया ठी तो अब आगे बढ़ते हैं स्क्रीन ले लिया यह दोस्तों क्या वो पूरे के पूरे डिविजन वो क्लासिफिकेशन की बेसिक्स जरा समझते हैं क्या बेसिक्स है देखिए आपने देखा कि वेटेकर साहब ने फाइव किंगडम को बना दिया तो उन्होंने क्या बनाया किंगडम बनाए पांच जगत किंगडम रखा अब जैसे प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वो तो एक कोशिका के एक ही जीव थे पूरे एक ही किंगडम में रख दिए में भी कुछ ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया लेकिन अब अगर आगे वाले जीवों की बात करें तो जीवों में भी पर बहुत सारी वैरायटीज हैं भाई पौधे एक ही टाइप के थोड़ी ना बहुत सारे टाइप के पौधे थे तो उन पौधों के क्या बनाए गए पौधा का जो किंगडम था प्लांटी किंगडम आपको याद हो जाएगा प्लांट किंगडम जो था पादप जगत था उसमें क्या था उसमें थे दोस्तों डिवीजन थे कितने डिवीजन थे सर फाइव डिवीजन थे कौन कौन से थे और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म याद आ गया ये क्या थे ये प्लांटी के थे अब इन डिवीजन के अंदर भी क्या होंगी क्लासेस होंगी इनके अंदर कुछ क्लास होंगी पर्टिकुलर की हर एक की कुछ क्लास होंगी ठीक है उन क्लास के अंदर क्या होंगे कुछ ऑर्डर होंगे और फिर ऑर्डर के अंदर फिर क्या होगी पर्टिकुलर की कुछ फैमिली होगी और उस फैमिली के अंदर भी क्या होगी जीनस होंगी और उन जीनस के अंदर फिर होगी वो फाइनल जीव जीव होगा एक जीव, जैसे कि मनुष्य तो ऐसे ही जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन के पैटर्न हैं उनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किंगडम के नीचे सात और चीजें हैं वेटेकर साहब ने केवल पांच किंगडम बताए थे लेकिन हर एक किंगडम को फिर फाइलम फाइलम के नीचे बहुत सारी क्लासेस अगर हम सरल ढंग से, से समझें बहुत सरल समझें तो आपको बायोडाइवर्सिटी की चीजें याद दिलाता हूं सबसे पहले एक जाति होती है ठीक है और उसी टाइप की जाति से बन जाता है फिर बहुत सारी इसी टाइप की स्पेसीज से मिलकर एक वंश बन जाता है और ऐसे ही बहुत सारे वंश मिलकर क्या बनाते हैं एक फैमिली बनाते हैं बहुत 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 phylum, और division, ऐसे बहुत सारे फैमिली मिलाकर ऑर्डर बनता है और ऐसे बहुत सारे किंगडम का निर्माण करते हैं थोड़ा थोड़ा भी क्लियर हो रहा हो तो ध्यान रखें प्रश्न इससे क्या बनता है प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वर्गीकरण की इकाई क्या है क्या बनता है क्वेश्चन वर्गीकरण की इकाई क्या है तब आपका आंसर आना चाहिए स्पीसीज क्या है स्पीसीज ठीक है आपको याद होगा हमने पढ़ा था कौन सा दो जगत का वर्गीकरण सॉरी द्वि नामकरण पद्धति द्वि नामकरण पद्धति में दो शब्द थे पहला जीनस था दूसरा स्पसीज था यह भी आपको क्लियर होगा पहले जीनस लिखा जाता था और फिर स्पीसीज लिखा जाता था जैसे हम कौन से जीनस से हैं होमो और हमारी स्पीसीज क्या है Sapiens. तो क्या बन गया सेपियंस ह्यूमंस क्या है सेपियंस अब आप कभी आपका मन हो तो आप देखिएगा कि कितने सारे होते हैं और बहुत सारी फैमिलीज हैं फिर ऐसी बहुत सारी फैमिलीज मिलकर एक ऑर्डर बनाती हैं फिर क्लास आती है फिर फाइलम आता है ठीक है तो हम क्या हैं हम इस वाली जगह पर हैं मनुष्य एक क्या है स्पिस है एक जाति है होमो ग्रुप की होमो में बहुत सारे आते हैं ये आपके कपी वगैरह ये सब इसी के होमो के हैं क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा बाद में और क्लियर होगा पहले बस इतना याद रखें कि ने पांच किंगडम बनाए थे उनमें से एनिमल किंगडम के अंतर्गत ये सात चीजें आएंगी संसार के पूरे एनिमल एनिमल किंगडम में रखे गए एनिमल बस जीव वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते जो किसी दूसरे जीव से ही न्यूट्रिशन लेते हैं ऐसे जीवों का ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप को उस ग्रुप के अंदर फिर फ़ाइलम आए लगभग अभी हम पढ़ेंगे नौ फ़ाइलम कितने फाइलम रहेंगे दोस्तों नौ फाइलम रहेंगे और हर एक नाइन फाइलम के अंतर्गत फिर हर एक की क्लासेस रहेंगी नौ के नौ की फिर हर एक के ऑर्डर रहेंगे फैमिली रहेंगी जीनस रहेंगे कठिन मत समझिएगा इसको सरल समझिएगा क्लियर चले आगे बढ़ते हैं यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी तो आगे की बातों पर भी डिस्कस कर लेते हैं और सबसे पहले हमने कहा था कि एनिमेलिया शब्द को अब हमें समझना है हमने देखा था कि इसमें सारे के सारे जीव जो हैं बहु कोश की कैसे हैं मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं पूरे के पूरे यूकैरियोटिक हैं चलिए ठीक है बहु कोश की तो पादप में भी थे हाँ लेकिन इसमें कौन से है? हैं विषम पोसी हैं मतलब ये स्वपोषी नहीं है जबकि प्रकाश पादप में कौन से रखे थे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पौधों पर ये निर्भर होते हैं मतलब सीधे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सीधे भी पौधों को ले लेते हैं या मान लीजिए कि दूसरे जानवर को भी खाते हैं मान लीजिए शेर की बात कर लें तो आप शेर आएगा तो इसी में अब कोई कहते शेर का एक पौधे का निर्भर है अरे शेर का पौधे से क्या करना चाहिए थोड़ी तो घास खाता है भाई जो जिस जीव को खाता है वो तो घास खाता है कि नहीं तो वो भी तो इनडायरेक्टली क्या हुआ डिपेंडेंट हुआ उस पर कि नहीं हुआ चलिए शरीर संरचना एवं अंगों के बीच विभेदीकरण के आधार पर इनके शरीर में जो संरचना रही उनमें कुछ अंतर आया इसके आधार पर इनको नौ संघों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है जो रहे पोरीफेरा सिलेंट्रेटा एनिलिडा प्लेटीहेलम्थीज एस्थीज मोलस्का और कारडेटा अच्छा एक बात बताइए मैं रोज रोज कहता हूं यहाँ तक मैंने कल भी पढ़ा दिया था मैं रोज उम्मीद ये रखता हूँ कि आप लोग इतने नाम याद करते भी जा रहे हैं ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इतने नाम याद हो गए होंगे और आज मैं फिर उसी जगह पर आपको लेकर आया हूँ लाइकेन को ख़त्म करने के बाद क्या आपको इतने नाम याद हो चुके हैं जब तक आपको ये नाम याद नहीं होंगे ना दोस्तों पढ़ने में मज़ा नहीं आने वाला मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको क्योंकि तो आज फिर समय यहीं पर ख़त्म हो गया है लाइकिन बस हम आज नया पढ़ पाए तो आप प्लीज़ इसके नाम याद रखिए नाम याद रखने की कोशिश कीजिए कि किसके कि बाद कौन सा नंबर है सीक्वेंस में याद करना होता है ऐसे नहीं कि बस एक कोई भी याद हो गया पहले तो आपको नाइन के नाइन नाम याद कर लो और फिर उसका सीक्वेंस भी याद कर लो और जब तक मैं आपको कल इन लेसन के अंदर फौरीफेरा में क्या इंपॉर्टेंट जीव आए कौन कौन से जीव फॉरीफेरा में रहे क्या उनके स्पेशल लक्षण थे इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे हम चर्चा करेंगे और जितने और अगले कौन कौन से ग्रुप रहे कल के लेसन में आपसे मुलाकात होगी आज के लेसन को अब यहाँ पर विराम देना पड़ेगा जल्दी मिलते हैं आपसे कल फिर से आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं अनकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के स्पेशल ऑफर के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों अगर आपने अभी तक अनकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अभी ले सकते हैं क्योंकि अभी बहुत अच्छा ऑफर है एक साल और दो साल के सब्सक्रिप्शन पर अभी अगर आप रेफरल कोड ए बी लाइव इस्तेमाल करते हैं तो आपको टेन का डिस्काउंट मिलेगा जैसे कि अभी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट सोलह है ए बी लाइव रेफरल कोड यूज़ कीजिए यहाँ पर ए बी लाइव टाइप कीजिए एप्लाई कीजिए कट से आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा और अब ये आपको की की में आपको प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए हुए कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं स्टडी कर सकते हैं रेफरल कोड यूज कीजिएगा ए बी लाइव और ऑफर है अभी अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस पर तीन मंथ एक्स्ट्रा और अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दो मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी आपको प्राप्त हो सकता है। और जल्दी से पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों ठीक है शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगला तो हमारा वीडियो है उसकी लिंक और उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे बेल आइकन को दबा दें और अनकेडमी पर कोई भी कोर्स अगर आप खरीदते हैं तो रेफरल कोड यूज कीजिएगा ए बी लाइव थैंक यू सो मच कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए हम कल के लेसन में उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का पी मिल जाएगी डोंट वरी जैसे ये क्लासिफिकेशन ख़त्म होगा पी प्रोवाइड करा दूंगा